हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्वेल फैमिली। मैं हूँ रूमा। आज हेलो संडे, आज हम लोग का बड़ा बड़ा एक त्यौहार है। तो आज जगन्नाथ देव का रथ यात्रा है, तो इसके लिए हम लोग देखो ना के अभी दोपहर को 1 बज गया, ना के हम लोग रेडी हो गया रथ देखने के लिए। तो चलिए आप लोग को भी रथ का सब कुछ दिखाऊंगी। और अभी तो 1 बज गया, जाके उधर प्रसाद भी है, प्रसाद मिलेगा। और रथ जब भी निकलेगा तो भी हम लोग देखेंगे। तो 4 बजे तक निकलते हैं रथ, तो इसके लिए अभी घर से हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए दिखाएंगे। बारिश भी हो रहा है थोड़ा बहुत, अभी धूप भी निकला है, तो क्या कैसा है नहीं है मेरे को पता नहीं है। तो चलिए आप लोग को भी दिखाऊंगी। और मेरा तरफ से सबको रथ यात्रा में बहुत बहुत शुभेच्छा है। सब अच्छा से मजा करो और केयरिंग करके रथ देखने के लिए जाने का। और हम लोग देखो तीनों जन रेडी होके जा रही है, पायल लिए जा रही है। तो मेरा हस्बैंड, मैं और मेरा लड़का तीनों जोन जा रही है। तो ट्रेन से जाना पड़ेगा, मीरा रोड में है ट्रेन से। अभी आधा घंटा लगेगा, पौना घंटा, तो फिर उसके बाद उधर से रिक्शा करके जाना है। तो चलिए सब कुछ दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए बहुत अच्छा लगेगा, इंजॉय होगा उधर, और भगवान को दर्शन भी कराऊंगी आप लोगों से। रूपम बेटा है, तीनों जोन हम लोग। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज जगन्नाथ देव को दर्शन करने के लिए जा रहा है, तो जय जगन्नाथ बोलना है। हम लोग रिक्शा में बैठ गए हैं, अभी ट्रेन पकड़ने का है। अभी फिलहाल बारिश तो नहीं है, थोड़ा टाइम पहले बहुत बारिश होके गया, तो ऐसा ही अभी चल रहा है बारिश का। एक बार करके बारिश हो रहा है, फिर एक बार धूप थोड़ा निकल रहा है, ऐसा ही हो रहा है। ऐसा रहेगा तो अच्छा है, कंटिन्यू बारिश गिरेगा तो जाने को नहीं मिलता था, थोड़ा बंद हो रहा है करके जाने को हो रहा है। तो चलिए बहुत मज़ा हो रहा है, ऐसा बोलेगा तो मन में खुशी हो रहा है। जगन्नाथ देव को दर्शन करने के लिए जा रही है रथ यात्रा में। आज तो भगवान हम लोग का साथ मिलने के लिए एकदम रोड पर आ रहा है। हम अभी सब भक्तगण क्या मंदिर में जाके दर्शन करते थे जगन्नाथ देव को, लेकिन आज इसका दिन ऐसा है, इतना अच्छा दिन है, भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए एकदम पूरा रोड पे आके घूमता है रथों में बैठ के। तो चलिए आप लोग का साथ शेयर करूंगी, दिखाऊंगी सब कुछ, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। और किधर आगे लेडीज है, हम लोग स्टेशन में आ गए अभी मीरा रोड में। लोग इस्कन मंदिर में पहुंच गया, सामने ही रथ उधर खड़ा है। अभी सब जोन आ गया, अभी इधर बहुत गर्दी है, दिखा रही हूँ आप लोग को। जावे की कोई आगे हम लोग को प्रसाद मिल गया। अभी इधर देखो बहुत भक्त है, इधर खाना खा रही है सब।
और हम स्वरूपन में बैठ गई, लेकिन मेरा लड़का रूपम और देवरानी का लड़का मेरा हस्बैंड उन लोग अलग हो गए, हम लोग दोनों जन अलग हो गई। और वो सब हमारा नाला सुपारा से बहुत जन गया है एकदम, देखो इधर लाइन पे खड़ी है, इधर उन लोग भी प्रसाद ले रहे हैं। तो खाने में बहुत कुछ है, सब रोटी चावल दाल फिर ढोकला। तो चलिए प्रसाद को इंजॉय करते, उसका बाद रथ रोसी खींचने का है। ये देखो हम लोग को प्रसाद मिल गया है, पायस है, दाल चावल और ढोकला है। मम्मी लोग कहीं और बैठे हैं, मैं और दादा यहाँ पे बैठे हैं। तो मम्मी पापा और काकीमा सब अलग हो गए, हम लोग अलग हो गए। इसके बाद रथ में जाना है, रथ खींचना है, तो फिलहाल खा लेते, उसके बाद वापस दिखाऊंगा। अभी मंदिर से रथ बहुत आगे आ चुका है, अभी इधर से एक ट्रेन है, इधर आके रथ भगवान अभी रिटर्न मंदिर में जाएंगे, तो और आगे हम लोग नहीं जाएंगे, फिर हम लोग इधर से ही घर पे जाएंगे। अभी देखो इधर दूसरा रास्ता है, दूसरा रास्ता से वापस जाएंगे रथ। तो देखिए उन लोग रथ उधर चला गया और अपन अभी स्टेशन तक जाएंगे, स्टेशन से ट्रेन पकड़ने का है। तो बहुत लंबा तक हम लोग रस्सी खींच के लेके आया, तो बहुत मज़ा मिला, मज़ा आया। तो चलिए अभी घर पे जाने का टाइम आ गया। अभी हम लोग रथ यात्रा से आ गई, देखो अभी रिक्शा में बैठ गई, ट्रेन से उतर के अभी घर पे जा रही हूँ, क्योंकि 5 बजने को आया। उधर प्रसाद मिला, प्रसाद खा के फिर थोड़ा सीट खींचा, बहुत मज़ा आया, गर्दी भी बहुत था। अभी घर पे जा रही हूँ, घर पे जाके थोड़ा सा रेस्ट करना है, क्योंकि खाना खा के तुरंत भाग भाग के उधर गई, इसके लिए थोड़ा कैसा लग रहा है। अभी कैपिटल मॉल का सामने हम लोग आ गया, देखो कैपिटल मॉल इधर से हमारा घर नज़दीक है। तो चलिए घर में जाके आप लोग का साथ बात करती हूँ। और इधर से मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी देखो मैं रात का जो स्पेशल है वो लेके अभी बैठी है, यही खा रही हूँ। जगन्नाथ देव का जो स्पेशल भोग है आज, खाजा बोलता है, तो ही अभी मैं खा रही हूँ। उधर से जिधर रथ देखने के लिए गई थी उधर से ही लेके आई भगवान को सेवा देने के लिए, तो गोपाल को सेवा दिया, उसका बाद ये प्रसाद खा रही हूँ। ते बहुत ही टेस्ट है एकदम, आज रथ यात्रा में जिलेबी और ये जो खाजा है यही जगन्नाथ देव का प्रसाद है। तो देखो मैं लेके आई, अभी खाते खाते याद आया, आप लोग को दिखाने को हुआ नहीं तो दिखाने का है। ये जो है ना, ये जगन्नाथ देव का मेन प्रसाद है, खाजा बोलता है इसको। अभी हम लोग कटा समय एरू, हमारा 5 बजे हम लोग आ गए उधर से, उधर प्रसाद मिला, फिर रथ का रस्सी खींचा सब करके 5 बजे घर पे आई। आके थोड़ा सा सो गई थी आधा घंटा, फिर अभी अगरबत्ती लगाया
अगरबत्ती फूल लगा के पूजा, शाम का जो पूजा है वो किया, और वो जो उधर से पोसा सेवा देने के लिए लेकर आई थी खाजा, वो भगवान को सेवा लगाई, फिर अभी प्रसाद मिला, तो बहुत ही टेस्ट है वो खाने को। साल में एक ही बार लेके आती हूँ, खाती भी हूँ वो। अभी चाय पीने का है थोड़ा टाइम बाद में, मेरा हस्बैंड का एक बार चाय पी के हो गया, मेरा अभी बाकी है पीने के लिए। तो इतना गर्दी था ना उधर, बाप रे बहुत गर्दी हुआ था, पब्लिक भी बहुत था, संडे भी था, और उधर इतना गर्दी, रस्सी खींचने को भी बहुत ऐसा मुश्किल से मिला, और उधर प्रसाद भी बहुत अच्छा था, एकदम सब कुछ था, चावल दाल भाजी चपाती था, फिर ढोकला था, खीर था, और उधर बहुत सब प्रसाद भी बांट रहा था, जिधर से रथ रोड से जा रहा था ना रथ, उधर सब पब्लिक, फिर उधर से पब्लिक सब कुछ बांट रहा था, पानी, फिर जूस, समोसा, ये सब बहुत कुछ बांट रहा था, फ्रूट्स, तो बहुत मज़ा आया। अभी फिर गया, साल में भी गया था, फिर ये साल में भी जाके आई, ये साल में तो पूरा सब साथ में गई, मेरा हस्बैंड, लड़का, सब साथ में, स्वरूपा सब गई, मेरा देवरानी, और संडे है करके मेरा हस्बैंड को भी जाने को मिला, नहीं तो फिर दूसरा डेट होता तो नहीं मिलता था, ऑफिस जाते थे इसके लिए, ये साल मिला। तो साल में एक ही बार है, इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। तो अभी दोपहर को तो उधर प्रसाद मिला, अभी शाम को खाना भी बनाने का है, क्या बनाने का है वो देखती हूँ। तो चलिए पहला चाय पीने का है, चाय बनाती है, अभी मैं बना रही हूँ चाय।